बस उन्होंने मैं क्या करता था गाइस, जो इसके बाहर के छिलके होते हैं इसको भी मैं ऐसा चबा जाता था। दिल्ली से भाभी जी सीधा आज काम करने, क्या बात है भाभी? हम उठ जाऊंगा कंठे पकड़ दो। आपने गलत कर दिया, क्या बोल दिया आपने? आपने बहुत बेकार बात बोल दिया। लग रहा फिर दिल्ली का माहौल और पहाड़ों का माहौल। रिश्ता बात विचो से माहौल देख सकते हो गाइस, सुबह सुबह का बिल्कुल चिड़ियों की चहकती हुई आवाज गाइस। लव मैरिज है तुम्हारे क्या? जय श्री केदार दोस्तों, तो क्या हालचाल? तो चलिए जी गाइस, करता है एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो चलिए जी गाइस, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है, सुबह के 8 बजे से स्टार्ट। और अभी गाइस जस्ट सो करके उठ रहा हूँ और कल रात इतनी थोड़ी बहुत बारिश हुई और लाइट भी आ चुकी थी गाइस मस्त से। चलिए जी उठते हैं और चलते हैं बाहर और आज का दृश्य दिखाते हैं आपको, बाहर का कैसा है, क्या माहौल है बाहर का आज का। और कल रात बारिश आई पर धुंध फिर से शुरू हो चुकी गाइस वैसे ही। तो चलिए जी गाइस, मैं आज आपको एक अलग सा व्यू दिखाता हूँ और एक मौसम का हाल दिखाता हूँ गाइस। तो चलिए जी, मैं आ चुका हूँ बाहर और ये देखिए गाइस आज का गाँव का माहौल देख सकते हो गाइस, सुबह सुबह का बिल्कुल चिड़ियों की चहकती हुई आवाज़ गाइस बैकग्राउंड में सुन सकते हो। बस एक दो आवाज़ आ रही है गाइस, यहाँ पर कुछ लोग बैठ रहे यहाँ पर मस्त से। और ये दिखाई थी धुंध, देखो गाइस सामने से इस साइड से पूरा धुंध लगना स्टार्ट हो चुका है, इस साइड से भी हो चुका है। तो ये देखिए गाइस, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो यार गाइस, मैं पहुँच चुका घर और मम्मी जी तो पता नहीं कहाँ जा रही है। मम्मी जी का कोई आता पता नहीं, कॉल भी नहीं आया, उठाया भी नहीं मम्मी जी ने आज मेरे को। वैसे मैं आज जल्दी उठ गया था गाइस, 7 बजे उठ गया था। तो मम्मी जी का आता पता नहीं गाइस, करते हैं कॉल और मैं तो कर रहा हूँ मस्त से ब्रेकफास्ट। और गाइस आज ब्रेकफास्ट में देख सकते हो बिल्कुल चने की दाल, ये देखो गाइस चना, आज मम्मी जी ने चना बना रखा है, रोटी है, ब्लैक टी है। तो गाइस टुडीर हो गया था ये, क्या हो गया था? टुडीर गिर गया था नीचे गाइस, गलोनी पर हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं टुडीर हो गया था। टुडीर पता नहीं क्या है पर बोलते हैं, तो सबकी अपनी अपनी फेवरेट लैंग्वेज होती है। तो किसी के यहाँ ढोकी बोलते हैं, किसी के यहाँ टुडीर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो चलिए सुबह के 9:30 और गाइस मैं नाश्ता करके मस्त से आसोला शिवालय के मंदिर पर दर्शन करना रखूँ गाइस। ये देखो भाई सुकून है यहाँ करके, अलग ही सुकून मिलता है। तो चलिए जी, लोग बिना खाना खाए दर्शन करते हैं, मैं खाना खा के आ चुका हूँ दर्शन करने के लिए। तो करते हैं थोड़ा दर्शन वर्शन, भोले जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो भोले जी के दर्शन करते हैं और गाइस फिर मिलते हैं गाइस आपको। तो यार गाइस अभी आ रखा हूँ मस्त से दादा लोगों के घर पे, दीपू भाई लोगों के घर पे। और अभी आजकल गाइस आम के सीजन चले, तो गर्मी में आम के कुछ अलग ही मजा आते हैं और मिठाई साथ में। तो हेलो ब्रदर, ये गाइस दिल्ली से वापस आ चुके हैं एक बार फिर घर की ओर। आटा पीस रहा हूँ। दिल्ली से सीधा आकर के चक्की में अब चक्की वाला तुम सचिन के बाद तुम्हारा इन्हें मराएगा मेरे को लग रहा है। कौन है चक्की वाला सचिन? वैसे मुंह भी देखे आपने? अच्छा हाँ, आईपीएस वाली मूवी। तो ये भी आप आईपीएस बनेंगे, चक्की से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ अब से। नौकरी बात हो गई। कैसे फिर बाल बच्चे आपके? क्या कहोगे मेरे ऑडियंस को? ऑडियंस यस के ब्लॉग देखते रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, भाई को बहुत ऊपर पहुँचाइए। भाई जी इसको पकड़िए आप। दो लाइन बोलेंगे इसमें नहीं आते यार, सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले। दो लाइन बोलेंगे इसमें, अंग्रेजी आती नहीं ना, दिक्कत तो ये है। वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो, इसलिए कहता था मैं पढ़ाई करो बस। उन्होंने गलती कर दी, अंग्रेजी से अंगूठा छाप रखे, पकड़ इसको गजब बेइज्जती गाइस। ट्रूमैन देने जैसा अंगूठा छाप, ये देखो इतना, ये इतना जोर का इनका अभी। और अभी तो स्टार्ट हो रहा, कट रहा है अभी ये है, फिर अभी जा रहे खेत भाई लोग। और अभी देखो गाइस इतना हो चुका है पूरा, अभी इनके गाय भैंस खाएंगे मस्त से पीस करके। ये आपने गलत कर दिया, क्या बोल दिया आपने? आपने बहुत बेकार बात बोल दी,
अंगूठा छाप कर दे क्या रहा है ग्राम अंग्रेजी बोलेंगे तो मैं एक शायरी बोल देंगे इंग्लिश में, मुझे तो बोला था मैं एक शायरी सुना दो यार, मैं सुनाओ छोड़ क्या सुना अभी गाइस, गर्मी में आम खाने का अलग ही स्वाद आता ना, इसको चूस चूस करके। पहले मैं बचपन में धोया तो ना उसको, हाँ तो पहले बचपन में मैं क्या करता था गाइस, जिसके बाहर के छिलके होते इसको भी मैं ऐसा चबा जाता था गाइस का ये जंगली था मोगली का दोस्त है ये। तो यार गाइस टाइम हो चुका सुबह के 11:30, तो अभी आ रखा हूँ जस्ट खेत में, और यहाँ पर भैया लोग भाभी लोग सारे दिल्ली से, भाभी जी सीधा आज काम करने, क्या बात है भाभी, कैसा लग रहा फिर दिल्ली का माहौल और पहाड़ों का माहौल? दो तीन महीने हुए थे गए हुए, फिर आ गई वापस, कुछ बोल दो, चुप रहो तो बाबा बोलो भाभी। चलो मैं बोल सकता, तो गाय देखो गाइस पहाड़ों में ऐसे हार्ड वर्किंग होती है, ये पूरा जौ है तो इसको पहले जैसे वो भाभी काट रही है तो इसको ऐसे काटना होता है, फिर इसको ऐसे खेत में रखना होता है, फिर इसको एक एक करके ऐसे करके एक मतलब एक गट्ठी बनानी पड़ती है, छानना होता है, तब इसको एक मुट्ठा बनाया जाता है, तब उसके बाद इसको बांध करके काटा जाता है। जैसे गाइस यहाँ पर रखा है ये देखो ऐसा बनाया जाता है इसको, ये देखो बिल्कुल फूल की तरह। अगर 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 मैं इसको किसी लड़की के पास पर पोस्ट करने जाऊँ तो कैसा रहेगा ऐसे और ये भैया जी यहाँ पर, हाँ भाई कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है ये देखो गाइस पूरा खेत आजकल यहाँ पूरा जौ से भरा हुआ था, सारे लोगों ने छटा दिया मस्त से अपना काम कर, पूरा खेत फिनिश कर दिया लोगों ने, कुछ छोटा खेत रहेगा इसे देख सकते हो नीचे भी, कुछ वहाँ पर देखो गाइस काट रहे हैं वहाँ पर मस्त से जौ, दो तीन हीरा सिंह के बीबी लोग, ये देखो गाइस। ले जी गाइस टाइम हो चुका है दोपहर के, 2 बज चुके और फाइनली मम्मी जी भी पहुंच चुके घर। हेलो मम्मी क्या हाल है? घर ने को दे छी मां जी, तो ये तो नौकरी नहीं गई थी पत्थर तोड़ने, आज जो रे नहीं बुखार आ गया, क्या बात है, और अकेले अकेले लंच करने लग गई हैं, अकेले क्यों कर रही? तो तेरे को ठहरे जाएगी छी, तो जाग नहीं सा जी, आई नहीं छी, हां तो मम्मी जी ने मस्त लंच डाल दिया गाइस, तो चलिए जी लंच करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस आपको। हाँ जी गाइस गुड इवनिंग, तो गाइस टाइम हो चुका शाम के 5:30 हो चुके और अभी गाइस जस्ट सोकर के बाहर निकल रहा हूँ, और बाहर आकर देखा गाइस मौसम बिल्कुल खतरनाक सीन बन चुका है, पूरा मौसम बिल्कुल बंद हो चुका है, देख सकते हो गाइस पूरा बादल छा चुके हैं, और यहाँ से ये देखो गाइस नीचे धुंध, ये वाला एरिया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो गाइस फिर भी यहाँ पर बीच में हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है देख सकते हो, और यहाँ से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है देखो, और ये शाम का व्यू देखो गाइस गाँव का, ये देखिए जी थोड़ा रोड की ओर चलते हैं वॉकिंग करने, फिर मिलता है गाइस। तो फाइनली पहुंच चुका गाइस मैं घर, और लाइट भी नहीं गाइस आज, चार्जिंग वाला बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैं अपने रूम से लेके आया, तो और मम्मी जी यहाँ पर बना रही है मस्त से रोटी, और मम्मी बना दी आपने रोटी? अंधेरे में, अंधेरे में हाँ, अभी कहाँ गई थी? नहीं है, कहाँ से गई लाइट? पता नहीं कहाँ से गई, मेरे को क्या पता है, जल्दी बनने जरूरत, जल्दी भूख लगा, भून ला एकदम बनने दे, इतने दे आज लोग यहाँ पे सब्जी बनानी, हाँ सब्जी बनानी है, लोगों का जमाने खरीब वाल, इतने जल्दी बनानी, तेरे जल्दी बनान, और ना तो कुंजी इतने जल्दी बनानी माँ जी तेरे साथ, आज ले नहीं आ थोड़ा तब, टीवी ना बीबी, तो गाइस आज मम्मी जी ने आज लाइट है ना, तो इसलिए मम्मी जी आराम से बना रही रोटी मस्त, पहले अंगड़ाइयाँ ले रही है फिर बना रही है ना, अंगड़ाइयाँ ले रही है ना, ये देखो पहले गोला बना रही है फिर बनाएगी करके मस्त फटाफट से, क्या बात है, आज मैं तुम्हें रुपया मांगना जब यूट्यूब इनकम आराम से रुपया
पैसे दे बोल बैंक कर या तो शादी क्योंकि बोल पाल बोल हमको पाल पाल पोस जैसे तो मांगा जी दिन छे त्यो जमे तो हेरो के हाँ जो भी हो पापा जी केले केले पापा दिक्कत नहीं मन में पापा तुम्हें बोर्ड से ना खाली तो खाली अरे बिरी के मन से यार मैं मोरी टिंग कोनी हो तुम्हें बोर्ड से सीधा चल भाई जैसे शादी की वैसे पाल भी अब या तो शादी क्योंकि पहले पहले मानी तेरे कौन सी मटकोट है तुम्हें मुझे ना ये फौजी दे गई हो रिश्ता बाद बेचो से यो कोला था चीन तो लव मैरिज है तुम्हारे क्या अरेंज मैरिज वो जमाना क्या लव मैरिज हुई थी अरेंज मैरिज है आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना जो चैनल पर नया रखे हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना घंटे जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी हर न्यू अपडेट्स आपको आप तक जल्दी पहुंच जाएगा इस तो मिलते हैं जल्द से एक नए एपिसोड में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड लव यू गाइस टेक केयर बाय बाय जय श्री राम जय श्री